पहले इसी महाराष्ट्र में एक दाढ़ी वाला गाफिल था, पर जाते जाते दूसरे दाढ़ी वाले को सावधान कर गया। तुम्हारे और हिंदुत्व के बीच में अगर मैं भी आया तो मुझे हटाकर हिंदुत्व को गले लगाओ। हर औरत के लिए माँ बनने का एहसास होता है काफी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज, जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सीजीरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिज जी बाबा दरगाह, फोर्थ निजामपुरा, भिवंडी। धर्मवीर पार्ट टू हुई रिलीज, शिव सैनिकों में दिखा जोश और उत्साह। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कुछ ही हफ्तों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और चुनाव के ठीक पहले स्वर्गीय आनंद दिघे जी के जीवन पर आधारित मूवी धर्मवीर पार्ट टू रिलीज कर डाली। आपको बता दें कि धर्मवीर पार्ट वन बहुत ही हिट हुई थी और इससे शिवसेना पार्टी को खूब फायदा हुआ था, और अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह उम्मीद लगाई है कि आने वाले इलेक्शन में इस मूवी से उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिले। इस मूवी के रिलीज़ पर शिवसेना पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सुभाष माने जी ने पूरा थिएटर बुक कराया था और अपने सभी समर्थकों के साथ मूवी का आनंद लिया। क्या कहेंगे धर्मवीर टू पर आधारित फिल्म जो है, हमने देखा कि काफी संख्या में शिवसैनिक की फिल्म को देखने में थे, तो क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा, क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ऐसा है कि ये धर्मवीर थाने टू ये जो पिक्चर है, आपको मालूम होगा इससे पहले जो धर्मवीर पिक्चर आया तो दिए साहब क्या थे, हमने जैसे हमेशा कहा है कि हमने डीए साहब के साथ में काम किया, लेकिन डीए साहब जाने के बाद आज जो माहौल पॉलिटिक्स का है उसमें जो यंग जनरेशन हमारा जो काम कर रहा है उनको डीए साहब क्या है ये मालूम करने की कोशिश पहले बात भी की गई है कि डीए साहब क्या थे और कैसे समाज के लिए काम कर रहे, सभी समाज को लेके। मैंने एक आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उस जमाने में डीए साहब के जमाने में पूरे थाने जिला में एक ही सिविल हॉस्पिटल था, या सिविल हॉस्पिटल में हमारे भिवंडी में कोई हॉस्पिटल बड़ा नहीं था, छोटे भी हमारे भिवंडी से हिंदू मुस्लिम सभी लोग डीए साहब के टेबिल आकर के आनंद आश्रम में जाते थे, और वहां से डीए साहब का फोन जाता था या लेटर जाता था और टावर तो उनके उपचार हुए। और ऐसे स्कूल के बारे में सामाजिक काम के लिए, कोई अन्याय के लिए, तो पिक्चर में याद तक बताया कि कोई लड़की के ऊपर नजर भी डालता तो डीए साहब उनको कई शिक्षा देते थे। एक समझो ना, जैसे एक कोर्ट चलता है, ऐसे कोर्ट में तो सालों साल न्याय लगता है, न्याय मिलने में लग जाता है, लेकिन डीए साहब के जमाने में वो न्याय ताबड़तोड़ मिलता था, ये लोगों ने देखा है। अभी धर्मवीर टू आया है, कल आपने देखा होगा, मैं तो निर्माता को फिर धन्यवाद दूंगा कि धर्मवीर टू लाने का उनका उद्देश्य क्या था। ये पिक्चर देखने के बाद हमारे साथ में करीब जोड़ने के शिवसैनिक डीए साहब को मानने वाले लोग, हमने जो दो थिएटर कल बुक किए थे, हमारे सभी वरिष्ठ भी आए थे, तो वहाँ पे ये बताया गया कि डीए साहब का ये जो टू जो पिक्चर आया उसमें बताया गया कि धर्मवीर डीए साहब का राजकारण के बारे में सोच क्या थी, हिंदुत्व के साथ में वो चले थे लेकिन सभी समाज को लेके चल रहे थे, लेकिन हिंदुत्व के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। आपने देखा होगा कि चार पांच साल पहले शिवसेना ने जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से गठबंधन करके सरकार जो बनाई, और वो सरकार हमारे जैसे शिव सैनिक को बहुत दुख लग रहा था क्योंकि हमने भी 35-40 साल इस पार्टी में काम किया है, और बाला साहब के आदेश के ऊपर हमने देखा कि बाला साहब का जो विचार था हिंदुत्व का था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ जिंदगी भर बाला साहब ने हमको सिखाया गया
ये कांग्रेस ने देश पर त्याग किया है और उस कांग्रेस के साथ में हमारी पार्टी बैठ गई और उसके बाद में जो हुआ दो ढाई साल पहले ये क्यों हुआ ये बताने की कोशिश उस निर्माता ने वो पिक्चर में की। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो भी महाराष्ट्र में हमारे जो शिव सैनिक थे उनका जो दुख था आप अगर वो पिक्चर देखने जाएंगे तो एक कदम क्यों उठाया गया उसका जवाब आपको मिलेगा। का काम आपने देखा होगा तो आपको बताऊंगा कि हमारा जो रक्षाबंधन जो त्यौहार रहता था वो दिग्गज साहब के पूरे हाथ में राखी बनती थी और खास बात ये थी कि हमारी मुस्लिम बहना भी उस टेबी इलाके में जाके दिग्गज साहब को राखी बांधती थी। ये दिग्गज साहब का प्यार था उधर ये तो कुछ नहीं था कौन से जात का है कौन से समाज का है हर आदमी को गरीब से गरीब आदमी पे जो अन्याय है वो अन्याय को न्याय देने का काम वो टेबी नाके में होता था और वही सब पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। और खास बात यह है कि भिवंडी के बारे में पहले पार्ट में तो भिवंडी का प्रसंग दिखाया लेकिन मैं कहूँगा कि भिवंडी इतना प्यार था साहब का इतना प्यार था कि छोटी मोटी घटना भी होती है तो दिखे साहब रात को 2 बजे 4 बजे भिवंडी दौड़ के आते ऐसा प्रसंग बहुत बार मैं यहाँ तक मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। आज कुछ दिन पहले भिवंडी में एक वातावरण पैदा हुआ था ये वातावरण पैदा हो देखा है कि बहुत बार दिखे साहब के जमाने में हुआ लेकिन उसको कोई दाग नहीं लगा। जहाँ तक बताऊँ की भिवंडी में एक प्रसंग हुआ तो पुलिस प्रशासन ने दिखे साहब को बुलाया तो हमने भिवंडी अभी गणपति विसर्जन के दिन वातावरण पैदा हुआ अगर दिखे साहब होते तो वातावरण नहीं होता था जो भी पुलिस ने जो भी किया उनको भी वो करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसा दिखे साहब तो बहुत अटैचमेंट था भिवंडी में बहुत ही ध्यान था भिवंडी के मैं बहुत से उस जमाने के मैं मुस्लिम नगर सेवक के नाम बताऊंगा आपको ये पर्सनल उनको जानते थे तो नगर सेवक के बाद वार्ड में कोई बीमार पड़ गया ना तो उसको उठा के शिविर में लेके जाना है और उसको एडमिट करना दिखे साहब के ऑफिस में जाना ये मामला हालों से वहाँ पे चलता रहा। भिवंडी के बहुत से मुस्लिम लोगों से उनको अटैचमेंट था लोग नाम से दिखे साहब जानते थे नगर से ये उसका बड़ा था। और मैं भिवंडी वासियों को मैं कहूँगा कि आप वो पिक्चर देखिए हम लोग ने कल 2 शो लगाया कल शाम को फिर हम लोग 1 शो लगा रहे हैं जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी वैसे हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग शो लगाते रहेंगे। लेकिन आपको हमारी इच्छा है कि दिखे साहब क्या थे और आदरणीय शिंदे साहब इस महाराष्ट्र में किस तरह काम कर रहे हैं उनकी क्या मजबूरी थी ये जो कदम उठाने के लिए ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा।